और 19 के 19 आज अप्रूव हो गए। सबसे पहला जो एजेंडे के अंदर विषय था कि हमारी सरकार ने पीछे जो हमारे शहीदों के परिजन थे, अनुकंपा के आधार के ऊपर उनके परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देने का निर्णय किया था। सरकार ने कहीं पर भी आज दो और जो हमारे शहीद परिवार थे उनके परिवारों से दो और सरकारी नौकरी में आज इस पॉलिसी के तहत शहीद कैप्टन कपिल कुंडू की बहन श्रीमती काजल कुंडू और दूसरे हमारे शहीद सत्यवान की बहन श्रीमती मंजू रानी को मौलिक शिक्षा विभाग में लिपिक के पद पर सरकारी नौकरी दी है। और जो श्रीमती काजल कुंडू है उसको रोजगार विभाग में सहायक रोजगार अधिकारी ग्रुप बी के पद पर नौकरी दी है। मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम ध्यान करें हमारी सरकार ने लगातार पिछले 9.5 वर्षों में शहीदों के परिजनों के अनुकंपा के आधार पर 369 नौकरी पीछे दी है, दो और आज इसमें जुड़ी है, ये संख्या आज 371 वो हो गई है। अगर हम पिछली सरकार का देखें, थोड़ा चुप हो जाओ भाई, पिछली सरकार में मैं बताना चाहूंगा कि 10 सालों के कार्यकाल में 2014 से पहले प्रदेश में मात्र 6 शहीदों के परिजनों को ही सरकारी नौकरी दी गई थी। आज हमने इन दोनों मामलों में नियमों में छूट देते हुए सरकारी नौकरी देने के लिए स्वीकृति प्रदान की है, जो फर्स्ट एजेंडा था। और हमारा इस एजेंडे के अंदर जो हमारे सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल युद्ध हताहतों के परिवारों के सदस्य के लिए नीति 2023 बनाई थी, कैबिनेट में आज ये भी एजेंडा आया और उसको स्वीकृति प्रदान की गई। अब इसका नाम बदल करके वीर शहीद सम्मान योजना, वीर शहीद सम्मान योजना अब इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है, इस नाम से इस योजना को जाना जाएगा। और हमारा जो एक और एजेंडा था जो हमारे स्टाम्प विक्रेता थे, आजकल ई स्टाम्प हम ले लेते हैं, कंप्यूटर से स्टाम्प आ जाता है, और 10,000 रुपए के स्टाम्प की पावर हमारे वेंडर्स को थी और अब वो 10,000 की पावर खत्म कर दी है। इसके कारण से उनके रोजगार के ऊपर भी संकट खड़ा हो गया था। आज कैबिनेट ने ये फैसला लिया कि उस 10,000 को बढ़ा करके 20,000 रुपया हमने कर दिया है, जिससे जो प्रभावित हमारे स्टाम्प वेंडर्स थे उनका रोजगार प्रभावित ना हो उसको लेकर के इसको बढ़ाने का भी आज स्वीकृति मंजूरी दी गई है। और हमारे जो मेडिकल कॉलेज है उसमें डेंटल और नर्सिंग कॉलेजों में जो बनकर के तैयार हुए हैं, क्योंकि अभी हमने ये निर्णय के तहत लिया है, इस नीति को मंजूरी दी है कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के ऊपर उसमें जो खाली पद हैं
उनको जब तक वो स्थायी पद वहां पर नहीं आते तब तक कॉन्ट्रेक्चुअल से उन पदों को शीघ्र ही वो भरे जाएंगे, उसकी भी आज हमने स्वीकृति प्रदान की है। हमारे जो पुलिस कर्मी है जो दिन रात किसी भी समस्या को लेकर के या कोई क्राइम हो जाता है उनको बाहर रहना पड़ता है, वो उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना पड़ता है, मुस्तैदी से वो ड्यूटी करते हैं, उनका जो हरियाणा सिविल सेवा यात्रा भत्ता संशोधन नियम 2016 में भी ये हमने इस संशोधन को मंजूरी दी है कि वो 10 दिन की बजाय उनके दैनिक भत्ते की सीमा 10 दिन से बढ़ा करके उसको 20 दिन कर दिया गया, क्योंकि कई बार उसको 10 दिन से ज्यादा लग जाते थे और उसको 10 दिन का ही उसको भत्ते मिलते थे, परंतु 10 दिन से ज्यादा नहीं मिलता था, उसको 20 दिन कर दिया है ताकि उनको इस दिक्कत न आए, उसके भत्ते मिले, इसको भी आज हमने मंजूरी दी है। एक और हमने निर्णय किया है, हमने ये निर्णय किया है कि जो हमारे पेंशन भोगी थे जिनको जैसे कोऑपरेटिव बैंक के बहुत कम पेंशन मिलती थी या MITC के हमारे कर्मचारी थे बहुत कम पेंशन मिलती थी, HMT के कर्मचारी थे उनको बहुत कम पेंशन मिलती थी, आज मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है ताकि सरकार द्वारा दिए गए भत्ते और EPF पेंशन का कुल योग भी अगर उनके कम पेंशन है तो 3000 रुपए तो उनको ये प्रति माह मिलेगी और समय समय पर भी इसको संशोधित किया जाएगा, इसको वृद्धा पेंशन के बराबर को देने का निर्णय आज हमारे मंत्रिमंडल की इस प्रस्ताव के अंदर मंजूरी इसको भी दी गई है। कितनों को फायदा होगा जी इसका, एम्प्लॉयज को? इसके अंदर लगभग काफी संख्या में है जो लगातार वो घूमते भी रहते थे, मंत्रिमंडल की बैठक में कि जो हमारे ठेकेदार जिनका पंजीकरण और नामांकन के लिए नए नियम हरियाणा पंजीकरण सह सूचिताबद्ध नियम 2023 को भी मंजूरी दी गई है, ये नियम पंजीकृत सह सूचीबद्ध ठेकेदारों द्वारा ब्याना राशि EMD जमा करने से छूट प्रदान की गई है ताकि वो अपने व्यापार को आसानी से आगे बढ़ा सके, उसके लिए भी आज ये निर्णय किया है। एक और आज मंत्रिमंडल में कुछ निर्णय और किए गए हैं कि हमारे जो किसान हैं और वो बिजली का स्वैच्छिक लोड बढ़ाने की आवश्यकता समझते हैं, इसके लिए 15 दिन का समय हमने दिया है, 1 जुलाई से ये हमारे किसान वो अपना ट्यूबवेल का एग्रीकल्चर ट्यूबवेल का वो स्वैच्छिक लोड बढ़ा सकते हैं, उससे इस योजना के तहत उसका लाभ ले सकते हैं। 15 जुलाई से शुरू है, 15 जुलाई इसके पहले उनको कुछ देना नहीं है, लोड डिस्क्लोज करना, वो लोड बढ़वा सकते हैं उसके अपना ट्यूबवेल का एग्रीकल्चर ट्यूबवेल का वो स्वैच्छिक लोड बढ़ा सकते हैं, उससे इस योजना के तहत उसका लाभ ले सकते हैं। 1 जुलाई से शुरू है, 15 जुलाई वो लोड बढ़वा सकते हैं, उसके अंदर कोई नॉमिनल वो जो प्राइस नोट जाएगा उसके अंदर आ जाएगा, हमने उसको मंजूरी दी है, कोई नॉमिनल चार्ज होगा उसको, कोई ज्यादा चार्ज नहीं है। और हमने ये भी निर्णय किया है एग्रीकल्चर से
ये संबंधित है कि 31 दिसंबर 2023 तक जिन भी किसान भाइयों ने कनेक्शन के लिए आवेदन किया है, जो आवेदन दे चुके हैं उनके लिए भी पोर्टल खोला जाएगा, उन कनेक्शनों को भी दिया जाएगा, उसके लिए भी आगे बढ़ाने का ये निर्णय लिया है। और एक और समस्या थी किसान को, ये समस्या थी कि ट्यूबवेल फेल हो जाता था, जब वो ट्यूबवेल दूसरे स्थान के ऊपर लगाता था, उन्हें 50 मीटर पे लगाना है या 100 मीटर पे लगाना है, तो उसको सोलर पंप की शर्तें पूरी करनी पड़ती थी। जिस भी किसान का ट्यूबवेल फेल हो गया है और उसने दूसरा 50 मीटर पे दूसरा ट्यूबवेल लगाना है, उसके ऊपर कोई शर्त लागू नहीं होगी, वो उसका वो कनेक्शन उसको मिल जाएगा। ये निर्णय हमने आज इसके अंदर लिया है। और हमने एक और निर्णय लिया है आज मंत्रिमंडल के अंदर, जो हमारे एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं जो अप्लाई करने के लिए, उनको 5 वर्ष की छूट उसके अंदर दी गई है, ताकि एसोसिएट एज में रिलैक्सेशन दिया गया, 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया। और एक मुझे बड़ी एसोसिएट्स वैकेंसी निकलेगी उसके अंदर अप्लाई करने के लिए उनको 5 साल की छूट दी गई है। एक मुझे बताते हुए बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है, सिरसा में जो पवित्र स्थल गुरुद्वारा चिल्ला साहिब, जहां पर गुरु नानक देव जी के पवित्र चरण उस भूमि के ऊपर पड़े और वो भूमि आज हमने ये फैसला किया है। और आज आज के ही दिन, ये हमारे लिए बड़ा गर्व का दिन है कि आज वहां मेला भी भर रहा है, आज के दिन ही आए थे गुरु नानक देव जी, आज के दिन ही उनके पवित्र चरण उस भूमि के ऊपर पड़े थे, आज वहां पर मेला भी भरा हुआ है। और उस भूमि को हमने देने का फैसला वो गुरुद्वारा साहब को किया है, क्योंकि वो रेवेन्यू की सरकार की वो लैंड थी, अब उनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल गुरुद्वारा साहब को वो देने का निर्णय हमने किया है। वो लगभग 70 कनाल 7 मरला भूमि है, 70 कनाल 7 मरला भूमि है। आज गुरु नानक देव जी का ही ये आशीर्वाद है, उन्हीं के आशीर्वाद से आज ये हमें आज अवसर मिला है कि जिस पवित्र भूमि के ऊपर, जिनके चरण स्वयं गुरु नानक देव जी के उस भूमि के ऊपर पड़े हैं, आज वो भूमि उस पवित्र गुरुद्वारा साहिब के नाम वो देने का निर्णय हमने किया है। आज ये फैसले मंत्रिमंडल के अंदर हमने किए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।